हेलो व्यूअर्स, मैं हूं सरताज सर और आप देख रहे हैं सरताज सर की क्लास। तो भाई साहब, आज है हमारी एडवांस इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास का पांचवा दिन और आज मैं कराने वाला हूं आपको नरेशन का चौथा लेवल। अब तक हमने नरेशन के तीन लेवल सीख लिए, आज चौथा सिखा रहा हूं। बस पांच और छह दो लेवल और बाकी और फिर ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बाद वो एक्टिव पैसिव वैसिव या कोई बढ़िया सा टॉपिक सीखेंगे। फिलहाल आज मैं आपको दिखाई नहीं देने वाला हूं, बीच में मैं गायब हो जाऊंगा, मेरी आवाज आएगी क्योंकि आज इन्हें नहीं पूरी स्क्रीन चाहिए। ले लो भैया, मेरी आवाज से काम चला लो आज। तो अब क्या करना कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चौथा लेवल सीखने के लिए इस वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्रिप्शन बटन पर एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिए ताकि रोजाना वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आज के दिन मैं आपको सिखाता हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का लेवल फोर। अब ये लेवल फोर थोड़ा सा एडवांस है इसलिए दिमाग भिन्न नोट हो सकता है, तो बस थोड़ा सा प्लीज एंड तक देख लेना क्योंकि एंड आते आते आई प्रॉमिस आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और भैया अपने कान में ईयरफोन ठूस के रखना और स्क्रीन पर टिकाए रखना नजरें, एक सेकंड भी स्किप मत करना। कुछ छूट गया तो फिर मत कहना ये कैसे हो गया। चलो पहले मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेवल फोर का फॉर्मूला लिखवा देता हूं, तो ध्यान से सुनो। इस बार said to लिखा आएगा तो आपको उसका चेंज करना है told या फिर asked में। told जब करना है जब आगे वाला यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अफर्मेटिव या नेगेटिव है, और asked जब करना है जब पूछ रहा है यानी कि इंटरोगेटिव या डबल इंटरोगेटिव है, जैसा कि मैं आपको लेवल 1-3 में यही चीजें सिखा चुका हूं। इसके बाद भैया दो बिंदी बनी आएंगी और इन दो बिंदियों को आपको दैट इफ या फिर WH फैमिली में कन्वर्ट करना है, यानी इन्वर्टेड कॉमा को इन तीनों में से किसी एक में कन्वर्ट करना है। अफर्मेटिव नेगेटिव है तो दैट में करना है, इंटरोगेटिव है तो इसमें करना है, WH फैमिली वाला तो कुछ नहीं बनता, इन्वर्टेड कॉमा की जगह WH फैमिली आ जाती है। ये भी मैं आपको सिखा चुका हूं, वही सारी चीज आएंगी। अब कुछ नया, कुछ स्पेशल कोई ऐसी नई चीज नहीं आएगी, बस आज के दिन थोड़ा सा टफ है क्योंकि तीनों लेवल्स को मिलाया गया है। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है, लेकिन ये ऑप्शनल है, ये जब ही चेंज होगा जब सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला इंटरोगेटिव होगा। अगर इंटरोगेटिव नहीं हुआ तो खाक उसे अफर्मेटिव में करोगे, फिर तो अफर्मेटिव है ही और नेगेटिव है तो नेगेटिव है ही, ये सिर्फ इंटरोगेटिव के लिए है। इसके बाद सब्जेक्ट का चेंज जैसा कि हमेशा आप करते आ रहे हैं पिछले तीन लेवल से, ही शी या दे में करना है, वो भी सन की मदद से। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब भैया दो चीज आ रही है खतरनाक, बस ये पार कर ली समझो लेवल फोर, क्या सारी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आज ही खत्म हो गई समझ लो, बस ये लास्ट समझ लो। और वो है कि टेंस का चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू चार्ट। अब चार्ट का है अभी लिखवाऊंगा ना क्योंकि भागे जा रहा हूं मैं क्या कहीं। और दूसरा है टाइम, टाइम किसके अनुसार बदलेंगे, चार्ट के अनुसार। चार्ट का है अभी लिखवा रहा हूं ना कहीं भागा जा रहा हूं क्या मैं, तो ये टेंस और टाइम ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है और इनका चेंज करना है आपको इनडायरेक्ट में। अब आओ सबसे पहले टेंस चार्ट लिख लेते हैं, फिर टाइम चार्ट एक ही स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी और फिर हम लेंगे कुछ एग्जाम्पल्स ताकि ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। भैया टेंस चार्ट पहले सुन लो, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में डू डज है तो डिड बन जाएगा, अगर डायरेक्ट सेंटेंस में इज एम आर है तो इनडायरेक्ट में वाज वर्ब बन जाएगा, हैज हैव का हैड बन जाएगा, हैज बीन हैव बीन का हैड बीन बन जाएगा, डिड का हैड बन जाएगा, वाज वर्ब का हैड बीन बन जाएगा, हैड का हैड ही रहेगा, हैड बीन का हैड बीन ही रहेगा, विल का वुड हो जाएगा, शेल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा और मस्ट का हैड टू हो जाएगा। ये चार्ट रट्टा मार लो, इसको याद कर लो। भैया एक चीज और ध्यान रखना, वो एक्टिव पैसिव की चार्ट भी ऐसी कुछ लिखी हुई है लेकिन वो अलग है, ये अलग है। उसमें डू डज का is MR का is being, am being, are being, ऐसे वो अलग है, कभी उसके चक्कर में इसे भूल जाओ और वो वाली पढ़ लो। तो चार्ट दोनों की है, वो एक्टिव पैसिव की, वो आगे आने वाले टाइम पे और सिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये इनडायरेक्ट डायरेक्ट की चार्ट है। ये काला वाला डायरेक्ट में, नीला वाला इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते टाइम आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। आप दूसरी चार्ट लिखते हैं टाइम चार्ट, तो भैया ध्यान से सुनो, दिस का दैट हो जाएगा, दिस का दोज हो जाएगा, हेयर का देयर, नाउ का देन, टुडे का दैट डे, टुनाइट का दैट नाइट, कम का गो, एगो का बिफोर, दिस का सो, हिदर का दीदर, टुमारो का द नेक्स्ट डे, yesterday का the previous day, last का previous, last का previous, जैसे last night का previous night, last day का previous day, day after tomorrow मतलब आने वाला परसों, इसका हो जाएगा the day after next day, day before yesterday यानी बीता हुआ परसों, तो इसका हो जाएगा the day before previous day। ये time chart हो गई, यानी अगर direct sentence में this है तो indirect में that हो जाएगा, direct sentence में these है तो indirect में those हो जाएगा, now दे रखा है तो नीचे उतार के यानी indirect में लाके then हो जाएगा, ऐसे ही change करने। और एक और चीज, ये left to right जा सकते, right to left नहीं आएंगे, यानी कि दिस का दैट हो जाएगा लेकिन दैट लिखा हुआ तो ये माइंड मत लगाना, दैट का दिस कर देंगे, कम का गो हो जाएगा लेकिन गो का कम नहीं होगा, दीस का दोस हो जाएगा लेकिन दोस का दीस नहीं होगा, यानी बस ये जो इधर वाले हैं ये दूसरी तरफ जा सकते हैं, वापस रिवर्स नहीं हो सकते।
हाँ भैया चलो आप अपनी स्क्रीन पर आप ये सजा हुआ देख रहे हैं अपने, अब हम एग्जांपल लेते हैं, लेकिन एग्जांपल लेने से पहले आपको एक चीज माइंड में फिट कर लेनी है कि ये टेंस चार्ट टाइम चार्ट मैंने आज ही क्यों पढ़ाई, ये कल परसों तरसों तीन लेवल में मैंने आपको क्यों नहीं बताया। तो भैया सुनो, ये टेंस टाइम चार्ट, ये टेंस चार्ट और ये टाइम चार्ट का प्रयोग कब करते हैं। चलो भाई स्क्रीन चेंज करो। ठीक है देखो भैया, टेंस और टाइम ये हमेशा प्रेजेंट और फ्यूचर रिपोर्ट में चेंज नहीं होते हैं, ये हमेशा पास्ट रिपोर्ट में चेंज होते हैं। अभी समझाऊंगा ये रिपोर्ट फिपोर्ट क्या होती है। अभी तीन लेवल में मैं आपको प्रेजेंट की रिपोर्ट सिखाता आ रहा था, यानी कभी राम सेज टू रानी तो सेज टू प्रेजेंट इंडेफिनिट, राम इज सेइंग टू रानी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राम हैज सेड टू रानी यानी प्रेजेंट परफेक्ट, राम हैज बीन सेइंग टू रानी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राम विल से टू रानी यानी फ्यूचर वाला। तो प्रेजेंट के देखो ये चारों नीचे वाला फ्यूचर का है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर की रिपोर्ट होती है, इसे बाहर वाले को रिपोर्ट बोलते हैं, और इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है वो स्पीच होता है। तो स्पीच से लेना देना नहीं है, बाहर अगर रिपोर्ट प्रेजेंट की है तो वो टेंस चार्ट टाइम चार्ट बाहर में जाए उसका इस्तेमाल नहीं करना है, नॉर्मल लिखेंगे। लेकिन भैया अगर टेंस हमारा जो है रिपोर्ट हमारी पास्ट में है तो टेंस और टाइम दोनों बदलेंगे चार्ट के अनुसार। जैसे राम सेड टू रानी पास्ट का इंडेफिनिट है, राम वाज सेइंग टू रानी पास्ट का कंटीन्यूअस, राम हैड सेड टू रानी पास्ट का परफेक्ट, राम हैड बीन सेइंग टू रानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राम वुड से टू रानी ये पास्ट का हो गया, विल का पास्ट टेंस वुड होता है। तो पास्ट वाले में टेंस टाइम चेंज होगा, प्रेजेंट और फ्यूचर वाले में नहीं होगा। यानी बाहर की रिपोर्ट देख लेंगे, अंदर मत देखना, सेंटेंस बार बार कहना पड़ रहा है तुमसे, अंदर मत देखना, अंदर मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मत देखना, बाहर अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है जो दो नाम होते हैं सेज वेज यहां लिखा रहता है तो टेंस टाइम चेंज नहीं होंगे, लेकिन अगर आपका पास्ट में तो टेंस टाइम चेंज होंगे। वापस हम स्क्रीन पर पहुंच रहे हैं, लो जी पहुंच गए। अब भैया यहां पे लेते हैं कुछ एग्जांपल्स, तो मैं आपको दो दो एग्जांपल्स देता हूं एक एक साथ, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए कि कहां टेंस टाइम चेंज करना है कहां पर नहीं करना है। पहला देखो, राम सेज टू रानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई विल नॉट कम टूडे। अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, इसे इनडायरेक्ट में बनाना है। तो भैया यहां पर सेज टू देखते ही ये बात पता चल गई कि ये टेंस और टाइम वाली चार्ट भाड़ में गई, इसका चेंज हमें नहीं करना है, क्योंकि जब प्रेजेंट में रिपोर्ट होती है तो नहीं करते हैं। तो इसको बनाएंगे राम टेल्स रानी इन्वर्टेड कॉमा का दैट ही विल नॉट कम टूडे। अब यहां पे देखो विल का विल ही रहा, कम का कम ही रहा, टुडे का टुडे ही रहा। हाँ ही का चेंज जरूर कर दिया, क्योंकि मैं शुरू से बताता आ रहा हूं कि सब्जेक्ट का चेंज करेंगे तो आई को हटाकर ही लिख दिया, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन है, वो राम के अनुसार चेंज हुआ, राम लड़का है। ये सारी चीजें तो तुम्हें अब आई गई होंगी। लेकिन अगर ये ऐसे होता जैसे राम सेड टू रानी I will not come today। अब देखो ऊपर says to नीचे आ गया said to। Says to मतलब present indefinite, said to मतलब past indefinite। तो बस अब हमारी report जो है वो past की है, तो हमारा tense और time जो अंदर वाली है वो सारी बदलेगी chart के अनुसार। Chart तुम्हारी screen पर लिखी हुई है, तो चलो बनाते हैं। राम का राम रखेंगे, अब said का करेंगे टोल्ड। भैया टोल्ड क्यों करा, क्योंकि आई विल नॉट कम टूडे मतलब ये बता रहा है, तो बता रहा है तो चलो इसे चेंज करते हैं राम टोल्ड रानी इन्वर्टेड कॉमा का दैट करेंगे, क्योंकि जब बताता है तो दैट में ही आता है। राम टोल्ड रानी दैट, अब आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो राम के अनुसार चेंज हो जाएगा तो ही रहेगा। ही वुड नॉट गो दैट डे, देखा अब विल का वुड हो गया, कम का गो हो गया, और टूडे का क्या बन गया, दैट डे बन गया। तो ये पूरा चेंज हो गया। तो यहां पे ऊपर चेंज क्यों नहीं हुआ, विल का वुड क्यों नहीं हुआ, कम का गो नहीं हुआ, टुडे का क्या, दैट डे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर की रिपोर्ट जो थी वो प्रेजेंट की थी, नीचे वाली पास्ट की है। और भैया जो चार्ट में लिखा वही चेंज करना है, कभी तुम सारा कुछ चेंज कर दे। देखो नॉट चार्ट में नहीं था तो नॉट चेंज नहीं हुआ, कभी तुम नॉट का फोटो लिख दो तो ये चार्ट वाली चीजें ही चेंज करनी है। आओ एक बार फिर से स्क्रीन साफ करते हैं और दोबारा से दो एग्जांपल लेते हैं एक जैसे। जैसे हमारा एग्जांपल है सुमित सेज टू टीचर मे आई कम इन। सुमित अध्यापक से कहता है क्या मैं आ सकता हूं। बंदा यहां पर पूछ रहा है, लेकिन हमारी रिपोर्ट किस में, प्रेजेंट में है, सेज है। यहां पर सुमित इज सेइंग होता तब भी प्रेजेंट में होती, सुमित हैज सेड होता तब भी प्रेजेंट में होती, सुमित हैज बीन सेइंग होता तब भी प्रेजेंट में होती, सुमित विल से टू टीचर होता तब भी फ्यूचर में। तो प्रेजेंट और फ्यूचर वाले टेंस टाइम चेंज नहीं होते, तो यहां पर मे का कम का कोई चेंज नहीं होगा। आओ इसे बनाते हैं। सुमित asks टीचर, asks इसलिए लगाए क्योंकि पूछ रहा है ना बंदा, तो इसलिए asks लगा दिया। इन्वर्टेड कॉमा का इफ में चेंज करेंगे, मैं आपको लेवल टू में थ्री में बता चुका हूं कि इन्वर्टेड कॉमा का चेंज इफ में करते हैं अगर इंटरोगेटिव होता है। अब मे आई कम इन इंटरोगेटिव को सीधा करेंगे तो आई में कम इन आई हटाकर ही लिखेंगे फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ही में कम इन तो हो गया। ये सीधा पीधा करना मैं लेवल टू थ्री में बता चुका हूं, ऐसे मत देखो प्लीज स्क्रीन को। अब अगर ये ऐसे होता सुमित सेड टू टीचर
मे आई कम इन, यहां पर देखो सेज का, सेज की बजाय क्या लिखा है, सैड लिखा हुआ है। तो अब यहां पर पक्का हो गया कि भैया यहां पर टेंस टाइम बदलेंगे ही बदलेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट हमारी है पास्ट की। यहां पर सुमित वाज सेइंग होता, हैड सेइंग होता, ये सारे पास्ट के टेंस है, तो यहां पर चेंज होना तय था। हां अगर कोई प्रेजेंट का होता तो ऊपर जैसा हाल होता। चलो फिर बकवास नहीं, पहले बनाते हैं। तो सुमित आस्क्ड टीचर, अब नीचे आस्क्ड में चला गया क्योंकि पूछ रहा है बंदा। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा का इफ हो गया। अब मे आई कम इन, पहले से सीधा कर लेते हैं। तो मे आई कम इन का हो गया आई मे कम इन, आई को हटाएंगे फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही हो गया, लेकिन मे का मे नहीं लिखेंगे। चार्ट में देखो मे का माइट गया, कम का गो हो गया, और इनका कोई चेंज नहीं है तो इनका ही नहीं लिख दिया। तो हो गया सुमित आस्क्ड टीचर इफ ही माइट गो इन, आया मजा नहीं आया। अबे यार एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, फिर आई एम श्योर कि आपको समझ में आ ही जाएगा। आओ भैया अब लास्ट वाले एग्जांपल में नजर मारते हैं ताकि बेहतरीन स्क्रीन तो साफ कर दो मैडम। हाँ ठीक है आओ अब देखें। तो भैया अब लास्ट वाला एग्जांपल है काजल सेज टू अंजलि। अब ये सेज देखते ही पता चल गया, देखो अभी आगे मैंने नहीं लिखा है कि यहां पर टेंस टाइम चेंज नहीं होगा क्योंकि प्रेजेंट की रिपोर्ट है ना। काजल सेज टू अंजलि आई डिड नॉट कम हियर यस्टरडे, मैं यहां कल नहीं आई। ठीक है भैया चलो बनाते हैं। तो काजल टेल्स अंजलि, क्योंकि वो बता रही है ना आई डिड नॉट कम, पूछ रही होती तो आस्क में चला जाता। तो काजल टेल्स अंजलि, अब इन्वर्टेड कॉमा का दैट बनाएंगे क्योंकि जब बता रहे होते हैं नॉर अफर्मेटिव या नेगेटिव होता है तो दैट में चेंज करते हैं। इंटरोगेटिव होता है इफ में चेंज करते हैं, WHFMD तो WH फैमिली में चेंज करते हैं। तो काजल टेल्स अंजलि दैट, अब इस आई को हटाएंगे तो आई फर्स्ट पर्सन है, काजल के अनुसार चेंज होगा लड़की है। तो शी, अब डिड का चेंज होगा नहीं क्योंकि एसेज लिखा है, डिड का डिड, नॉट का नॉट, कम का कम, हेयर का हेयर, यस्टरडे का यस्टरडे। हो गया भैया। हां सिंगुलर प्लुरल का ध्यान जरूर रखते हैं, जैसे ऊपर एम होता है तो नीचे इज जरूर हो जाता है। टेंस चेंज नहीं होता, यानी इज एमआर का वाजवर नहीं होता, सिंगुलर प्लुरल बदल जाता और सेज टू में। लेकिन अगर जो है पास्ट की रिपोर्ट हुई तो पूरा ही बदलेगा। देखो जैसे कि लिखा है काजल सैड टू अंजलि, अब यहां पर सैड देखते ही ये बात कंफर्म हो गई कि इसमें जो भी आएगा आगे वो टेंस टाइम चेंज होगा। तो आगे है आई डिड नॉट कम हियर यस्टरडे, अब सैड टू वाला आ गया। अब ध्यान से बनाते हैं, आओ काजल टोल्ड अंजलि, यहां पर सेड का चेंज हो गया टोल्ड में क्योंकि बता रही है, और टेल की सेकंड फॉर्म लिखनी पड़ी टोल्ड जैसे कि ऊपर से की सेकंड फॉर्म में सेड। अब इन्वर्टेड कॉमा का दैट में करेंगे क्योंकि बता रही है आई फर्स्ट पर्सन है, काजल के अनुसार चेंज होगा यानी सिंगुलर पर्सन है, तो काजल यहां पर हो गया शी। अब भैया देखो डिड का चेंज, चार्ट में देखो मेरी शकल मत देखो, मुझे मत ढूंढो बैटरी फैटरी निकाल के कि मैं कहां से बोल रहा हूं, मेरी आवाज तो आन दो। ये देखो कि डिड का चेंज कहां से हो रहा है, डिड का चेंज हो रहा है हेड में, तो लिखेंगे हेड। क्या नोट का चेंज हो रहा है, तो नहीं नोट का कोई चेंज हो रहा, नोट का नोट लिख दिया। कम का चेंज हो रहा है, ओए होए ये रहा कम हो रहा है, कम का गो हो रहा है, पर भैया मैं गो नहीं लिखूंगा। बताओ क्यों नहीं लिखूंगा, अब बताओ सोच लो पक्का। अरे मैं बताता हूँ भैया, यहाँ पर अब नीचे हेड आ गया और हेड के साथ आती है थर्ड फॉर्म, तो गो थोड़ी लिखूंगा, गॉन लिखूंगा, यानी कम का गो तो हुआ लेकिन टेंस के अनुसार उसकी वो फॉर्म लगेगी जो टेंस में लगती है। आईएनजी लगती तो आईएनजी गोइंग लिखता, सेकंड फॉर्म लगती तो वेंट लिखता, एस लगता तो गोज लिखता, तो अकॉर्डिंग टू टेंस भी ध्यान रखना है। तो यहाँ पर गॉन हो गया, कम का चेंज गो में हुआ और गो की थर्ड फॉर्म लिख दी गॉन, ऊपर डिट था तो कम की फर्स्ट फॉर्म ही आई, लेकिन नीचे हेड हो गया, हेड के साथ आती है थर्ड फॉर्म। अब है हेयर का देयर, वो भी चार्ट में लिखा हुआ है देयर, यस्टरडे भी चार्ट में लिखा हुआ है द प्रीवियस डे, इसकी तो शकल ही बदल गई कसम से, क्या हो गया ये। तो बन गया काजल टोल्ड अंजलि दैट शी हैड नॉट गॉन देयर द प्रीवियस डे। आहा, अब कुछ नहीं करो तुम, बस ये चार्ट याद कर लो, उंगलियों पे याद करो इस चार्ट को, मतलब ये सोच लो कि ये तुम्हारी प्रेमिका है, तुम्हारा प्रेमी है, इतना रट लो इसका नाम, फेसबुक व्हाट्सएप पे सब जगह इसका स्टेटस पे स्टेटस लगा दो, और ये एक बार चार्ट याद हो गई तो कसम से भाई साहब नैया पार लग जाएगी। एक बार फिर से बता रहा हूं कि ये प्रेजेंट में रिपोर्ट होती है तो चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट में रिपोर्ट होगी, अबे क्या बोल रहा हूं मैं, शिट यार, आई मीन प्रेजेंट और फ्यूचर में रिपोर्ट होगी तो चार्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रेजेंट और फ्यूचर में होगी तो चार्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर पास्ट में हुई रिपोर्ट तो चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। थी वहां विल का वुड शेल का शूट फूड होगा, आई समझ में नहीं आ रहे ताऊ, इसे याद कर लो प्लीज। तो भैया ये थी आज की क्लास, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब ये एक ही चीज है, इसके चौथे लेवल के बारे में आई एम श्योर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बारी है आपके होमवर्क की, होमवर्क बात एक ही है, लगाओ, ये रहा आपका यू वर्क। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो लेवल 1, 2, 3, 4 चारों लेवल से उठाकर लिए गए, ये मत सोचना जो आज पढ़ाया उसी के ऊपर दूंगा, रिविजन कराए बिना तो मैं छोड़ूंगा नहीं, वहीं कूट दूंगा पकड़ के, तो ध्यान रखना। अब देख लेना इसमें भैया
कौन सा लेवल वन है, कौन सा लेवल टू है, कौन सा थ्री और कौन सा जो आज पढ़ा है वो वाला है। अब इसकी इंग्लिश बनाना, इंग्लिश आई मीन इनडायरेक्ट बनाना, अपनी नोटबुक में भर लेना और फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर पोस्ट कर देना। मैं लाइक कर चेक कर दूंगा, कोई गलती करोगे तो घर पर ही आके नहीं बताऊंगा, कॉमेंट में आपको बताऊंगा और हर्ट भी दूंगा आपको। अब बारी है कल वाले होमवर्क की चेक करने की। तो कल जो आपने किए वो वाकई में कमाल के थे, तकरीबन सबके सही गए, फिर भी मैच कर लो और थोड़े बहुत अलग हो तो गलत मत अपने समझ लेना, सही गए, मैंने देख लिया था सारे सही है। होमवर्क लगाओ कल का, आंसर आई मीन लगाओ, ये रहा कल का आंसर। अब इनको अपने आंसर से मैच कर लो और देख लो कि आप कितने बढ़िया सीख रहे हो। आई एम श्योर आप अच्छा ही सीख रहे होंगे। ऐसे ही आज के होमवर्क का जो आंसर होगा वो आपको कल की वीडियो में दिखाई देगा, उसे कल मैच कर लेना। फिलहाल आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आज ही पोस्ट कर देना। तो भाई साहब ये थी आज की वीडियो, आपने देख लिया, आई एम श्योर आपको मजा बहुत आ रहा होगा और साथ साथ नॉलेज भी बढ़ रही होगी। सबके साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, हेलो पेलो, जहां पर भी जो भी यूज करते हो, टिकटॉक फिकटॉक, सबको बताओ इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में। कम से कम फीस नहीं दे रहे तो फीस के रूप में यही दे दो कि शेयर ही कर दो, मैं सोच लूंगा तुमने फीस दे दी। और जाते जाते इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।